सावन माह के दूसरे सोमवार को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच भी श्रद्धालुओं की भीड़ देवालयों में देखने को मिली। सावन माह का अपना ही विशेष महत्व है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है। सुबह से ही जबलपुर के प्रसिद्ध स्थल कचनार सिटी व पाट बाबा में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक विधि विधान से किया, जहां कोरोना के चलते मंदिरों में एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गार्ड तैनात किए गए हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए पूजा अर्चना की अपील करते हुए नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं ने अपने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर भगवान भोलेनाथ को जल बेलपत्र चढ़ाकर इस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस को जल्द खत्म होने के लिए कामना की। आज सावन सोमवार का दूसरा दिन है, दूसरा वार है, हम यहाँ दर्शन करने आए हैं कचनार सिटी। क्या मांगो भगवान? भगवान से यही मांगी सबको खुशहाली दे और जल्दी से कोरोना भगाए, बस इतना ही। आए हैं, ये सावन का दूसरा सोमवार है, कचनार सिटी में आए हैं, शिव जी से यही मांगते हैं कि यहाँ पर सबको खुशहाल रखें और इस कोरोना को भगाएं। बस कचनार सिटी दर्शन करने आए हैं, बहुत अच्छा लगा इनका दिव्य दर्शन करके, और बस भगवान कृपा करें और ये बीमारी जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। सुरक्षा के यहाँ क्या इंतजाम कर रहे हैं? सुरक्षा के तो अच्छे इंतजाम है, सब कर रहे हैं। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान नहीं रख रहे हैं, बाकी है सब, मास्क का ध्यान रख रहे हैं। वहाँ बोला जा रहा है कि मास्क पहने। मैं दर्शन करने के लिए आज सावन सोमवार का दूसरा सप्ताह है, आज मैं दर्शन करने आया हूँ। मैंने भगवान शंकर भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है कोविड-19, इससे जल्दी से जल्दी इस देश को, इस संसार को मुक्ति मिले और सभी लोग जल्दी से जल्दी इस रोग से मुक्त हो सकें। WHO के द्वारा जल्दी से जल्दी कोई एक ऐसी वैक्सीन आए जिससे हम सब जो है इस रोग से मुक्ति पा सकें। प्रशासन की तरफ से पाढ़ा मंदिर में पूरी व्यवस्थाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क के साथ, और हमारे प्रतिदिन जो भी गार्ड हैं, स्टाफ है, सबको सैनिटाइज करते हुए यहाँ पे पूजन हो रहा है। जब से सावन मास स्टार्ट हुआ, जब से मंदिर खुला, तभी से, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही, कुछ कोई चूक ना हो। हनुमान जी महाराज से प्रतिदिन पूजन हो रहा है, शिव जी का मास है सावन पुण्य मास, तो उनका भी अभिषेक रुद्र हो रहा है कि भाई इस कोरोना महामारी से पूरे विश्व को, भारत को, हमारे देश को जल्दी से जल्दी निवृत्त कराएं। और परिवार कल्याण के साथ साथ सब जनमानस कल्याण के लिए ही ये अभिषेक प्रातः चल रहा है, सुबह 5 बजे से ही, और जब तक श्रावण मास रहेगा, या हम ये कहें जब तक कोरोना महामारी है, तब तक भोलेनाथ का, पाटेश्वर महादेव जी का, हनुमान जी महाराज का, पाडवा जी का नित्य अभिषेक चलते रहेगा। और यहाँ पूरी व्यवस्थाओं के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तमाम चीज़ें हो रही हैं। पूजन कराने के, अभिषेक कराने के लिए आए हैं, हर साल कराते हैं हम, और आज ये करा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ कोरोना महामारी का जल्दी हो और हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी कार्य सफलपूर्वक सिद्ध हो। पाडवा प्रांगण से सभी दर्शनार्थी एवं श्रद्धालुओं का स्वागत है। सभी लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में भगवान श्री पाट बाबा जी, महादेव, माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं। और जो कोरोना महामारी फैली है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक चल रहा है, और भगवान भोलेनाथ से, पाट बाबा सरकार से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना महामारी यहाँ से समाप्त हो जाए, हमारे राष्ट्र से, संपूर्ण विश्व से, विश्व में शांति हो और सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से भोलेनाथ से प्रार्थना की जा रही है, उनका प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो रहा है शिव जी का, भोलेनाथ का, तत्पश्चात पाट बाबा जी के पास पाठ हो रहा है, सेवा जापता कर रहे हैं कि ये महामारी जो है, इससे हमारा राष्ट्र मुक्त हो और संपूर्ण विश्व में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। जो भी श्रद्धालु लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो गेट से प्रवेश करते हैं, सभी लोगों को सैनिटाइजर किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है थर्मामीटर से, और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर में पूर्ण तरीके की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, श्रद्धालु आ जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने मंदिरों में पहुंची महिलाओं ने विशेष पूजा की। जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।